हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रोनाउंस, और जो आपकी बुक है नॉर्थ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स डिप्लोमा की, उसी का नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट रहेगा हमारा टॉपिक प्रोनाउंस। जो स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताती हूँ कि एक्चुअल में प्रोनाउन है क्या चीज़, कि प्रोनाउन का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे और कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इस बुक में से मैं आपको क्लियर करवाऊंगी जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है या इसकी डेफिनेशन है वो चीज। तो सबसे पहले देखिए कि प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो क्यों यूज़ किया जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम किसकी जगह यूज़ करते हैं, नाउन की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का। क्यों, सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, रिपीटेशन को रोकने के लिए। किसी चीज़ का क्या रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है वर्ड, उसको हम रोकने के लिए किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं नाउन की जगह। और दूसरा है कि जो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई पैसेज है या कुछ भी लिख रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर हमें क्या ना लगे, मतलब कि बार बार अगर उसी शब्द का रिपीटेशन हो रहा है तो वो क्या हो जाती है, जो टेक्स्ट और जो पैराग्राफ है वो क्या लगना, डल लगने लग जाता है हमें। और इससे क्या होता है, वो हमें क्या ओड लगता है पैराग्राफ, मतलब कि जो एक एक पैसेज की या पैराग्राफ की जो सुंदरता होती है अपने कह सकते हैं, वो नहीं रहती उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम नाउन की जगह फिर क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। देखिए कि मैं कुछ लाइनें लिखती हूँ, कुछ सेंटेंस बनाती हूँ। उर्वी इज अ गर्ल, उर्वी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, एंड उर्वी इज ब्यूटिफुल गर्ल। तो यहाँ पर देखिए एक चीज, कि यहाँ पर हम किस चीज़ का रिपीटेशन कर रहे हैं, रिपीट हो रहा है, कौन सा वर्ड हो रहा है, उर्वी, उर्वी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, गर्ल रिपीट हो रहा है। तो उर्वी की जगह अगर हम ऐसे बोलें कि उर्वी इज अ गर्ल, इसकी जगह हम एक शब्द है, एक वर्ड है लाइक कह सकते हैं, प्रोनाउन का यूज करें, कि हम उर्वी की जगह किसका यूज करें, शी का। तो अब क्या होएगा कि उर्वी इज अ गर्ल, आगे हमने लिखा कि शी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल एंड शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब ये हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी जो सेंटेंस हमने लिखे हैं, वो क्या नहीं लग रहे, ओड नहीं लग रहे हैं, थोड़ा मतलब सुनने में हमें कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब कि इसने क्या कर दिया, इन सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ा दिया है। जैसे कहते हैं ना कि अलंकार के अंदर होता है, अलंकार का किस लिए यूज किया जाता है, भाषा की मतलब सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो वैसे ही क्या करते हैं हम, नाउन का यूज, नाउन की जगह हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब जैसे ऐसे ही जैसे हमने कहा उर्वी की जगह हमने किसका यूज किया है, शी का यूज किया है, तो शी हमारे लिए क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोनाउन हैं जिनकी मैं आगे इसके अंदर चैप्टर के अंदर चर्चा करूंगी। कुछ है जो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि उर्वी की जगह जैसे एक गर्ल है ये, इसकी जगह हमने किसका यूज किया है, शी का। ऐसे ही जैसे मैंने समर लिखा, समर एक बॉय है, बॉय की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, समर की जगह ही का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, इन प्रोनाउंस का यूज करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, आपका जो ये टॉपिक है प्रोनाउन इस बुक का, उसी को हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।